सो हेलो गाइस, वेलकम टू एसी बाइकर। तो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस इंडिया में जो भी लेटेस्ट बाइक आते हैं भाई, मैं सबके अपडेट्स देते रहता हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो यार आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और एल्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और जल्द से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एवर VE F1। तो गाइस, इसका जो लुक्स है वो काफ़ी शानदार है, एंड आपको बहुत ही हैरानी होगी कि गाइस ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो कि पुणे में है। वो लोग रिसेंटली ये एक स्टार्टअप किए थे EF1 कंपनी के नाम से, उन लोगों का ये एक फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो गाइस, ये वीडियो में हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर हम लोग इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो यार ड्राइव टाइप आके हब मोटर है, और मोटर पावर जो है वो 3300 वाट का है। अगर हम लोग इसके बैटरी चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो यार सिर्फ 5 घंटे में फुल चार्जिंग हो जाता है। वही अगर हम इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो यार ट्रांसमिशन आके ऑटोमेटिक है। अगर हम इसके ABS के बारे में बात करें तो यार सिर्फ एक ही ABS दिया गया है, वो भी फ्रंट वाले टायर पर। अगर गाइस हम लोग इसमें जितने भी मीटर्स के बारे में बात करें, लाइक स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, सारे के सारे इसमें दिए गए हैं डिजिटल वे में। माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यार मैक्सिमम स्पीड आके 90 किलोमीटर पर आवर है। एक्सेलरेशन के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ यार, एक्सेलरेशन में आके 8.73 सेकेंड्स लगता है बस 0 to 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड अटेन करने में। अगर गाइस हम लोग इंजन बाइक एंड इलेक्ट्रिक बाइक के बीच में अगर डिफरेंस करो तो यार ज़मीन आसमान का अंतर होता है उसमें, लेकिन फिर भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम करा है लाइक फॉर एक्सेलरेशन। वही अगर हम लोग इसके चासिस के बारे में बात करें तो यार चासिस में आके बॉडी टाइप आके इलेक्ट्रिक बाइक है। वही अगर हम लोग इसके डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ओवरऑल वेट ये जो बाइक का है वो 110 kgs है, और जो लोड कैपेसिटी है मतलब ये जो लोड कितना बेयर कर सकता है वो 150 केजीज़ का है। तो गाइस ये कुछ थोड़े इसके स्पेसिफिकेशंस थे, एंड अगर गाइस आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यार आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और एल्स मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, मैं वहाँ पे काफ़ी अपडेट रहता हूँ। तो गाइस आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।